तो आने वाला है मार्च एंड, और आपको करना पड़ेगा अपने एचआर के सामने डांस, क्योंकि वो बोलेगी इंक्रीमेंट चाहिए तो डांस करके दिखाओ। जोक्स अपार्ट, तो मैं लेके आ गया हूं कि क्या आपका एचआर सिर्फ नेगोशिएशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या सैलरी स्ट्रक्चर अभी है, लास्ट ईयर से इस ईयर कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और एक बात मेरे दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो मुझे बहुत दुख देता है। क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा? इतने महंगे महंगे चीजें जो मैंने पीछे लगा रखी है फ्री में नहीं आती है, सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस बात से कि कैसे करेंगे सब्सक्राइब, सॉरी 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 सॉरी, कैसे करेंगे आप नेगोशिएट अपने एचआर के साथ। तो पहले रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप रिसर्च करो कि आपने क्या क्या किया, अपने बारे में रिसर्च करो कि लास्ट ईयर अगर आपने कुछ किया है तो क्या क्या किया है, किस लेवल पे किया है, क्या इम्पैक्ट डाला है कंपनी में, क्या आपने इम्पैक्ट डाला है। अगर आप सेल्स में हो, प्योर सेल्स में हो, तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने लीड जनरेट किए हैं, कितने आपने कॉल्स किए थे, क्या चेंजेस आए थे, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, आपके परफॉर्मेंस कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और इस सब का जवाब आपको मिलेगा सीआरएम में, वही सीआरएम जो आपने अपडेट नहीं किया और उसका भुगतान अब आपको करना पड़ेगा। तो सीआरएम अपडेट करने के बाद आपको ये रिसर्च कर लेना है, सारे रिसर्च लेके आप बैठो, बताओ कि मार्केट वैल्यूएशन अभी क्या चल रही है, किस तरीके से चल रही है, लोगों को क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और आपको पता चल जाएगा मार्केट वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे पर मार्केट वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए, एंड इसका सबसे आसान तरीका है कि आप खुद रिसर्च करो, लोगों से बात करो, ग्लास डोर पे जाओ, नौकरी पे जाओ, उन लोगों ने बहुत अच्छा सा रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं, वो देख लो, ठीक है। सेकंड, आप क्या करने वाले हो, रियलिस्टिक गोल सेटअप करो कि नेक्स्ट ईयर में आपको क्या क्या अचीव करना है, क्या करना है। आप अपने मैनेजर को बताओ, एचआर को बताओ कि आप ये अचीव करना चाहते हो, इतना देखना चाहते हो, एंड ये सारी चीजें आप जब बताओगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आप उनको ये दिखाओ कि आप कंपनी के साथ कितने लॉयल हो, कितने प्यार से आप कंपनी में रहना चाहते हो, कितने अच्छे आपने बॉन्डिंग बना रखी है। और एक चीज, मैं चाटुकारिता की बात नहीं करूंगा, पर अगर आपका रिलेशन अच्छा है अपने मैनेजर के साथ, अपने बॉस के साथ, तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू वर्क, और वो होता ही, एंड दैट्स कम्स इन अ बिज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो आना चाहिए एक सेल्स पर्सन को, क्योंकि अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएट कैसे करना है और किन किन चीजों पे नेगोशिएट करना है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 करोड़ की सैलरी दे दो, मतलब अनरियलिस्टिक नहीं हो सकते। आपको नेगोशिएशन करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं, एंड ये परसेंटेज मुझे उस लेवल पे पहुंचाएगा, एक स्टेप देगा मुझे जो आगे पहुंचने में मुझे हेल्प करेगा, तो आपको उस लेवल पे जाना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप प्रिपेयर रहो, आप हर एक जवाब देने के लिए रेडी रहो। आपको बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई थी तो क्यों हुई थी, आपने जो बड़े अचीवमेंट किए वो कैसे किए, वो सारा का सारा चीज पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो भाई लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ही मिक्स मैच था, कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ किसी को समझ में नहीं आया, बट जनरली ओवरऑल इंडस्ट्री में 10 से 12% लोगों की हाइक हुई है। मतलब अगर सैलरी आपकी 10,000 है तो सिर्फ 10% बढ़े, 1,000 रुपए बढ़ा है, तो ये पूरा अक्रॉस इंडस्ट्री रहा है। बट सैस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है, जो हुआ है आपका 12 से 15% तक, मतलब ज्यादा तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की देखी जाए तो उसमें ये बहुत बड़ा एक नंबर है, 12 से 15%। तो आपकी जितनी सैलरी है उस हिसाब से ज्यादा बढ़ी है सैलरी लोगों की, ठीक है। अब आता है कि जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5+ एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ी है। जो लोग 5 से कम ईयर के एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी कम बढ़ी है। तो अगर किसी की सैलरी 15% बढ़ी है, तो आप ये मान सकते हो कि उसकी 15% बढ़ने का रीजन ये है क्योंकि वो 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उससे कम नहीं है। तो अगर आप 1 या 2 साल एक्सपीरियंस हो और आपको लग रहा है कि आप 30% 40% बढ़ा सकते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है टियर वन सिटीज में जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत हाइक हुआ है, क्योंकि टियर वन सिटीज में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारा कंपटीशन आया, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा ज्यादा पैसे देकर अपने एम्प्लॉयज को रोके हैं। बट टियर टू सिटीज में थोड़ी कम इंक्रीमेंट हुई है, तो ये एक चीज है। और एक फैक्टर आता है कि कंपनी का साइज एंड परफॉर्मेंस। कुछ कंपनियां बंद हो गई, जैसे एडटेक की कंपनीज है जहां पे लोग बंद हो गए हैं, काम बंद हो गया है, कंपनी बंद हो गई, तो वहां पे इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। बट कुछ कंपनी जैसे सैस कंपनीज है, वहां पे बहुत सारे इंक्रीमेंट हुए हैं, मतलब 20% भी हुआ है, 30% भी हुआ है, 40% भी हुआ है, बिकॉज उन्होंने परफॉर्म किया है एंड वो आगे बढ़े हैं।
फिर आता है इंडिविजुअल ग्रोथ, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 15% ही मिलेगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इंडिविजुअली आप परफॉर्म करके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको 50%, 60%, 70% भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज। अब मैं बात करता हूँ कि नंबर्स क्या है, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर आता है कि अगर आप फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, टियर वन सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसी, तो वहां पे आपका जो एवरेज सैलरी रहेगा सैक सेल्स में वो रहेगा 5 से 6 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग आपको सपने दिखा रहे हैं कि भाई 10 लाख का जॉब मिल जाएगा, 25 लाख का जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। 4 से 6 लाख रुपए एवरेज सैलरी होती है, ये पर एनम की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एनुअली आपको 4 से 6 लाख मिलने वाली है। वही टियर टू सिटीज में ये 3 से 5 लाख है, तो डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी साइज एंड आपके स्किल्स ये 3 to 5 लाख मिल सकता है। फिर आता है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको टियर वन सिटीज में 6 से 8 लाख रुपए पर साल मिलेंगे, एंड अगर टियर टू सिटीज में हो तो आपको 5 से 7 लाख रुपए एवरेजली मिलेंगे। ये मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ और किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट आता है कि अगर आपके पास 5+ ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको टियर वन सिटीज में 10 से 15 लाख रुपए मिल सकता है विद अ हाई परफॉर्मेंस पर्सन अगर आप हैं तो, एंड टियर टू सिटीज में ये 8 से 12 लाख का इंक्रीमेंट होगा, मतलब सैलरी मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अब सैस सेल्स में भी अलग अलग रोल आता है, एई है, एसडीआर है, बीडीआर है, तो एई अगर आप हैं जो आप पूरा एंड टू एंड क्लोजर कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 5 से 10 लाख हो सकती है एज अ फ्रेशर, एंड 8 से 15 लाख हो सकती है अगर आप एक्सपीरियंस है, तो मतलब 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 8 से 15 लाख मिल सकता है, एंड फ्रेशर्स में आपको 5 से 10 लाख मिल सकता है। सेम अगर आप एसडीआर हैं जहां पे आपको लीड जनरेट करनी होती तो वहां पे 4 से 7 लाख मिल सकता है एज अ फ्रेशर, एंड 6 से 10 लाख रुपए आपको सैलरी मिल सकती है अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो। उसमें अगर बीडीआर आप कर रहे हैं तो बीडीआर में ऑलमोस्ट सेम है, 6 से 10 लाख रुपए आपको फ्रेशर के लिए मिलेगा, एंड 8 से 15 लाख रुपए अगर आप एक्सपीरियंसड है तो, ठीक है। सेम अगर आपको जॉब हाइक चाहिए तो 15 से 25% तक मिल सकता है। सेम अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं और आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो कंपनी स्विच करने पे भी 15 से 25% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अगर आप कंपनी स्विच करके भी सोच रहे कि 100% हाइक ले लेंगे तो 100% नहीं मिलने वाला, वो 15 से 25% ही होने वाला है, एंड टॉप परफॉर्मर्स को 30 से 40% ही मिलता है। अगेन ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आप किस कंपनी में जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है, आप किस सिटी में हो, ये सारे नंबर्स उस पर डिपेंड करते हैं। लोग लकी भी होते हैं, लोग अनलकी भी होते हैं, बट ये रियलिटी चेक है, एंड मेरे दोस्त ये बहुत रिसर्च रियलिटी चेक है। तो अगर कोई आपको सपने दिखा रहा है कि 18 लाख रुपए मिलेंगे इस कोर्स के बाद, तो वो कोर्स आपका काट रहा है, आपको सैलरी नहीं दिला पाएगा। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर इस साल का होने वाला है, इसके ऊपर आप अपने डिसीजन ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपका कॉल है, बट हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एज सैस सेल्स रिलेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।